गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एज आई टॉट यस्टडे दैट वट इज़ अ फ्रिक्शन यू माइट सी यू माइट सीन हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार ऑफ अ ट्रक स्लोइंग डाउन अ व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल तो आपने देखा होगा कि कोई भी ड्राइवर कोई भी कार ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल पर स्लो हो जाता है टू बिकॉज आपकी बाइस्किल भी स्लो हो जाती है तो ये क्यों होता है बाय द अप्लाइंग ब्रेक्स सो हैव यू एवर था वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन वैन ब्रेक आर अप्लाइड तो नॉट ओनली व्हीकल्स एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन वैन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट तो येस हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो दो तो टू कॉन्टेक्ट सर्फेस के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज होता है विच अपोज द मोशन एंड इवेंचुअली द ऑब्जेक्ट विल बिकम इन रेस्ट uh, पोजिशन और ये स्टॉप uh, हो जाता है मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम एक अनदर एग्जाम्पल है कि आपने कोई बॉल रोल की है और वो इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है तो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज जो रोलिंग रोलिंग सरफेस है बॉल का और जो कॉन्टेक्ट सर्फेस है ग्राउंड का वो आपस में कॉन्टैक्ट uh, uh, में रहते हैं और ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू फोर्सेज वो बॉल को स्टॉप uh, करती है तो दिज आर देश एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ विच फ्रिक्शन ओके सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है वट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने बताया था आपको कि दिस इज द अपोजिंग अपोजिंग फोर्स ऑफ मोशन मोशन को अपोज करने वाली और इट इज़ एन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि दो कॉन्टैक्ट सर्फेसिस में लगी हुई है तो ये देखिए कि टेबल पर बुक रखी हुई है विच इज़ इन रेस्ट पोजिशन और ये रेस्ट पर किसकी वजह से है ड्यू टू कॉन्टैक्ट सर्फेस बिटवीन बुक एंड टेबल तो इट विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट सर्फेस अंटेनल लेस की कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती तो जब हम अप्लाइड फोर्स करते हैं कोई भी फोर्स लगाते हैं बुक पर तो वो स्लाइड होती है जैसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं जैसे कि मैंने कल आपको क्लास में बताया था ओके सो इफ यू सो यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट कहने का मतलब है कि जैसे फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स यानी अगर आप फोर्स लेफ्ट में लगा रहे हैं यानी कोई कार लेफ्ट में मूव कर रही है तो उसके राइट right में कौन अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगी जैसे आप टर्ड्स ईस्ट uh, चल रहे हैं uh, आपका बाय द वॉकिंग बाय बाई स्किल तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी यानी वेस्ट डायरेक्शन में लगेगी कहने का मतलब ये है सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स को ऑलवेज अपोज करता है इन द अब एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सर्फिस ऑफ द बुक एंड द सर्फिस ऑफ द टेबल जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू कॉन्टेक्ट फोर्स के बीच में लगती है जहाँ पर आपकी एक्टिविटी में दे रखा है बुक और टेबल यानी बुक और टेबल के बीच में वो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं ओके सो दिस इज द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू वट इज द रीजन बिहाइंड दैट ओके सो थैंक यू वेरी मच